नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आप सबको होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो वीडियो आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूं मैं, वह पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के सीरीज के अंतर्गत है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए अभ्यास के लिए दिए जाते हैं, जो आपको अभ्यास करना होता है। एक कागज पेन लेकर बैठ जाएं और जैसे ही स्क्रीन पे प्रश्न आते हैं उसका उत्तर लिखें और हमारे उत्तर से मिलान करें। तो चलिए दोस्तों, अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर आपको बताना है, उत्तर बताएं और हमारे उत्तर से उसका मिलान करें। दोस्तों, इसका उत्तर है पृथ्वी। यह तीसरे नंबर पे दूरी के हिसाब से आती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कहाँ आता है? जवाब दें इसका। इसका उत्तर है कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में। कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में, जहां विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा आता है, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की जो कंसेप्ट है वो उसको किसने प्रस्तुत किया? प्लेट टेक्टोनिक किसने प्रस्तुत किया? इसका जवाब दें। इसका उत्तर है मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन। इन तीनों ने समन्वित रूप से यह सिद्धांत पेश किया। मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्योग्राफी से जो की है इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है माना नीति व लिपुलेख दर्रे किस प्रदेश में स्थित हैं? यानी मानानीत व लिपुलेख दर्रे किस प्रदेश में अवस्थित हैं? इसका जवाब दें। इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोनों दर्रे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा महामार्ग NH7 है, यह कहां से कहां तक जाता है? भारत का सबसे लंबा महामार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका जवाब दें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे बराबर पूछा जाता रहा है। इसका उत्तर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न, च्युइंगम चिकल से बनता है, चिकल किच वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है? इसका उत्तर जलपोत वृक्ष के दूध से। यह चिकल प्राप्त जलपोत वृक्ष के दूध से चिकल बनता है और चिकल से च्युइंगम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर दें। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? बताएं इसका उत्तर। इतिपतन मिगदाय, जो ऋषिपतन मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है, यह इसका प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर दें। मार्च 1923 में, 1923। अगला प्रश्न है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, ब्रिटिश नागरिक के समान हम अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं, यह कथन किसका है?
एक बार फिर से देख लें। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान हम अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? इसका उत्तर देखें, यह दादा भाई नौरोजी का कथन है। अगला प्रश्न है, जुलाई 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, इसका मुख्य कारण क्या था? ये बताना है आपको। इसका उत्तर है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा, जिसे नेहरू रिपोर्ट में अस्वीकार कर दिया गया और इसी कारण मुस्लिम लीग ने इसे नहीं माना। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? इसका उत्तर दें। इसका उत्तर है सन 1897 ईस्वी, यानी 1897 में। अगला प्रश्न, 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ, 1976 में, के पूर्व राज्य सूची में कुल कितने विषय रखे गए थे? इसका जवाब दें। उत्तर इसका 66। अगला प्रश्न, द स्प्रिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? द स्प्रिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू इसके लेखक हैं, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका उत्तर दें। उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष। ये दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। इसको ध्यान में रखें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन, NITI का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 14 जनवरी 1965 को, यानी 14 जनवरी 1965। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? इसका जवाब दें। उत्तर है 28 अगस्त 2014, यानी 28 अगस्त 2014। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई? इसका उत्तर है सन 1985, यानी 1985 ईस्वी। दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे तैयार कर ले ठीक से, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार। दोस्तों, सब्सक्राइब कर आप हमारे पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं और आगे आने वाले वीडियो भी, अतः प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे।